हेलो फ्रेंड्स, हेलो टुमारोज इंजीनियर्स, हेलो बडिंग इंजीनियर्स। इंजीनियरिंग की इंटरेस्टिंग चैलेंजिंग फील्ड में आपका स्वागत है। उसमें हम कंसेप्ट में आपका स्वागत करते हैं। एज वी नो, डॉक्टर्स मेंटेन द हेल्थ ऑफ द सोसाइटी, सिमिलरली इंजीनियर्स मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ द सोसाइटी। जो भी अपना लग्जरी होता है, जो भी अपना लिविंग स्टैंडर्ड होता है, जो भी अपना कंफर्ट होता है, वो सब मेंटेन करने का, उसको इंक्रीज करने का, उसको अपग्रेड करने का जो भी काम होता है वो हमारे इंजीनियर्स का होता है, राइट? तो इस इंजीनियरिंग फील्ड में जैसे हम एंट्री लेते हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन सब्जेक्ट है, बेसिक सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। जैसे हर किसी सोसाइटी की, हर किसी कंट्री की एक अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, अपनी बोली होती है, बोली भाषा होती है, मदर टंग होती है, वैसे सभी इंजीनियर्स जो भी इस अर्थ पर, इस वर्ल्ड में जितने भी इंजीनियर्स हैं, उन सभी इंजीनियर्स की अपनी एक मदर टंग होती है, वो है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। तो वो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो लैंग्वेज है वो हम आज सीख लेंगे। तो उसको सीखने के लिए कुछ अल्फाबेट्स की आवश्यकता होती है। वो अल्फाबेट्स क्या है वो हम फर्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद उसका सिलेबस क्या है, उसमें प्रोजेक्शन का कंसेप्ट क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है? सो द सिलेबस वी कैन राइट, फर्स्ट चैप्टर इज प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, देन प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स, प्रोजेक्शन ऑफ कंपोजिट सॉलिड्स, देन सेक्शन ऑफ सॉलिड्स, डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसेस, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है? इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, एक वर्ड इसमें रिपीट हो रहा है एंड दैट वर्ड इज प्रोजेक्शन। क्या होता है उसका मीनिंग? एक बार अगर हम प्रोजेक्शन वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं तो आपको यह सब्जेक्ट बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है? तो चलते हैं दोस्तों। तो पहले देखेंगे हम प्रोजेक्शन क्या है, और प्रोजेक्शन समझने के लिए हमें क्या क्या बेसिक नॉलेज की आवश्यकता होती है वो देखेंगे, ठीक है? तो उसके लिए हमें इंटरेस्टिंग डायग्राम देखनी है। दैट डायग्राम इज हियर, आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ फ्री हैंड, ठीक है? सो कंसिडर वन वर्टिकल प्लेन इन थ्री डायमेंशनल व्यू एंड इट इज इंटरसेक्टेड बाय अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है? लाइक दिस। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम इसको रिमूव करेंगे। सो देर आर टू प्लेन्स, दिस इज कॉल्ड एज एच पी, दिस इज कॉल्ड एज वी पी, और हम हमेशा के लिए यहां खड़े होते हैं। दिस इज आवर पोजिशन, वी आर स्टैंडिंग हियर, दिस इज फ्रंट डायरेक्शन, दिस इज टॉप डायरेक्शन, दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट। ये क्या है डायग्राम? तो हमेशा इमेजिन करो कि हम यहां पर खड़े हैं। देर आर टू प्लेन्स, हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन, एचपी एंड वीपी। हमेशा हम प्रैक्टिस में प्रॉब्लम्स करते समय एचपी और वीपी वर्ड्स का बहुत बार यूज करने वाले हैं। सो एचपी एंड वीपी, दीज टू प्लेन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल्स। सो दिस इज 90 डिग्रीज, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्रीज, राइट? ऑल आर 90 डिग्रीज। सो ड्यू टू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स, देर इज फॉर्मेशन ऑफ फोर क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फिक्स होते हैं। हम यहां हैं तो अपने एकदम सामने वाला क्वाड्रेंट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसके पीछे सेकेंड क्वाड्रेंट, उसके नीचे थर्ड क्वाड्रेंट, और यहां फर्स्ट के नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। अगर हम ऐसा सेंस चेक करेंगे तो ये सेंस है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? तो उसका यूज क्या है, ठीक है? तो उसके पहले हमें सबसे पहले देखना है ये क्वाड्रेंट्स को डिस्क्राइब कैसे करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर किसी ने पूछा व्हाट इज मीन बाय फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो डिस्क्राइब लाइक दिस। फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स इट इज द स्पेस अबव एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। सेकंड क्वाड्रेंट, द स्पेस अबव एचपी एंड बिहाइंड वीपी। थर्ड क्वाड्रेंट, द स्पेस बिलो एचपी एंड बिहाइंड वीपी।
fourth quadrant below HP in front of VP. I repeat, first quadrant above HP in front of VP, second quadrant above HP behind VP, third quadrant below HP behind VP, fourth quadrant below HP in front of VP, right? So there are two methods of projections, first angle projection method and third angle projection method. कोई भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो वो कहते हैं एक तो फर्स्ट एंगल से सॉल्व करो या फिर थर्ड एंगल से सॉल्व करो. तो ये क्या होता है देखेंगे हम, लेकिन उसके पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी क्वाड्रेंट में से हम घूम के आएंगे, राइट? चलो हम एक चक्कर मार के आते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट अबव एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, सेकंड क्वाड्रेंट अबव एचपी बिहाइंड वीपी, थर्ड क्वाड्रेंट बिलो एचपी बिहाइंड वीपी, फोर्थ क्वाड्रेंट बिलो एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी. ओके, अब इसका यूज क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये मार्कर है, कोई इंक का बॉटल है, कोई बॉक्स है, क्यूब है, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखो, कोई सिलेंडर है, कोई स्पीयर है, इसको अगर हम सामने से देखेंगे तो उसके इमेज, उसके व्यूज यहाँ पे आएंगे. हमारे आंखों में से आने वाले जो रेज होते ना, इन्फिनिट नंबर ऑफ रेज होते, वो सभी रेज पैरेलल टू ईच अदर कंसिडर करने हैं. क्योंकि हम जब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन सीखते हैं तो हमारा फर्स्ट कंसिडरेशन होता है हम ऑब्जेक्ट से इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर खड़े हैं और वहां से देख रहे हैं, इसलिए हमारे आंखों में से आने वाले रेज को हम पैरेलल कंसिडर करेंगे. उसको एक दूसरे को पैरेलल और इन प्लेन्स को परपेंडिकुलर कंसिडर करना है. फ्रंट से देखेंगे तो वीपी को परपेंडिकुलर और टॉप से देखेंगे तो एचपी को परपेंडिकुलर. रिमेंबर दिस कंसेप्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि विजन का कंसेप्ट अलग होता है. हमारे रेज हम तब पैरेलल कंसिडर नहीं करते क्योंकि तब हम ऑब्जेक्ट के बहुत पास में है ऐसा समझते हैं, लेकिन जब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस को स्टडी करते हैं तब हम इन्फिनिटी पे खड़े हैं, हम बहुत दूर खड़े हैं ऑब्जेक्ट से और वहां से ऑब्जर्व कर रहे उस ऑब्जेक्ट को, ऐसा इमेजिन करते हैं. तो रेज कैसे होंगे? पैरेलल टू ईच अदर और परपेंडिकुलर टू प्लेन्स होंगे, ठीक है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पोजीशन ऐसे होते हैं, हम उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद ये प्लेन होता है जिसके ऊपर हम ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करने वाले हैं. प्रोजेक्शन का सिंपल कंसेप्ट क्या है पता है? जब आप मूवी देखते हैं थिएटर में जाके, तो स्क्रीन पे जो इमेज आती है वो कहां से आती है? प्रोजेक्टर से आती है. तो उस टेक्निक को हम प्रोजेक्शंस कहते हैं. कुछ उसी तरह से है लेकिन थोड़ा सा इससे एडवांस है. हमारे वहां पे एक ही थिएटर होता है, एक ही स्क्रीन होती है, भले ही मल्टीप्लेक्स हो, अलग अलग हॉल में होता हो, लेकिन यहाँ एक ही जगह पे बैठ के हम अलग अलग स्क्रीन देख सकते हैं. ओके फाइन, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो हम क्या करेंगे जब हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है? तो वो कहते हैं फर्स्ट एंगल से सॉल्व करो. तो फर्स्ट एंगल से सॉल्व करो मीन्स वॉट एग्जैक्टली? उस ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कहाँ पे होता है एक दूसरे से? ऊपर होता है, नीचे होता है, या दोनों ऊपर होते हैं, दोनों नीचे होते हैं? विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्स वाई लाइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दिस इज एक्स वाई लाइन. इस सब्जेक्ट में जितने प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे उन सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन की शुरुआत ही इस लाइन से होती है. सो व्हाट इज दैट एक्स वाई? दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ एचपी एंड वीपी. ओके, तो सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, जब हम फ्रंट से देखेंगे उस ऑब्जेक्ट को, जस्ट इमेजिन करो कि ऑब्जेक्ट यहाँ है, फ्रंट से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा? फ्रंट व्यू. और वो कहाँ दिखेगा? इस वीपी में दिखेगा, फ्रंट व्यू. एंड द व्यू ऑब्टेंड फ्रॉम टॉप इज कॉल्ड एज टॉप व्यू. उसी ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू इधर, टॉप व्यू इधर. सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ है सेकेंड क्वाड्रेंट में, हम तो यहीं पे खड़े होंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ है, जब हम फ्रंट से देखेंगे तो उसका व्यू कहाँ दिखेगा? यहीं पे दिखेगा, फ्रंट व्यू वीपी में ही आएगा. और उसी ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा टॉप व्यू. अब सपोज सेम ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, एंड रिमेंबर ऑल बोथ दीज प्लेन्स आर ट्रांसपेरेंट. ऑब्जेक्ट भले ही यहाँ है, हम यहाँ खड़े हैं तो इसके पीछे का हम देख सकते हैं. तो इसको फ्रंट से देखो तो उसका फ्रंट व्यू आएगा यहाँ पे, ऊपर से देखो उसका टॉप व्यू आएगा यहाँ पे. अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फ्रंट व्यू, कोई ऑब्स्टेकल नहीं आता बीच में, डायरेक्ट इसका प्रोजेक्शन इधर आएगा और टॉप व्यू पहले प्लेन आएगा, लेकिन हम ट्रांसपेरेंट है तो देख सकते हैं उसके नीचे, तो टॉप व्यू इधर आएगा. अब देखो सभी व्यूज सभी क्वाड्रेंट्स में, इधर फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, सेकंड क्वाड्रेंट फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, थर्ड क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू यहाँ पे और ऊपर से देखा है तो टॉप व्यू यहाँ पे, ऑब्जेक्ट यहाँ है तो फ्रंट व्यू इधर और टॉप व्यू इधर, राइट? अब इस एक एक क्वाड्रेंट को हम अलग अलग करते हैं, राइट? अच्छी तरह से समझ लो. अभी मुझे उसको ड्राइंग में कन्वर्ट करना है.
अगर हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट सेपरेट लेते हैं तो थोड़ा शॉर्ट में थोड़ा कॉम्पैक्ट बता देते हैं, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट राइट। तो इधर क्या आएगा फ्रंट व्यू, इधर क्या आएगा टॉप व्यू, ये कौन सा प्लेन है वीपी, ये कौन सा प्लेन है एचपी, और हम खड़े हैं यहां पे राइट। अब देखिए आपको वहां से कंफर्टेबली कौन सा व्यू दिखाई दे रहा है, सिर्फ फ्रंट व्यू, टॉप व्यू दिखाई दे रहा है नहीं, तो ये प्रॉब्लम है कि हम टॉप व्यू नहीं देख सकते एक ही डायरेक्शन से। अगर ऊपर से देखा तो टॉप व्यू देखेगा, फ्रंट व्यू नहीं दिखेगा, तो प्रॉब्लम क्या है, एक व्यू नहीं दिखाई दे रहा है। तो उस पर सोल्यूशन है, बहुत ही स्टैंडर्ड स्टेप है, वो अपने हाथ में नहीं है, सब्जेक्ट के लिए सबके लिए सेम, जस्ट रोटेट, रिमेंबर दिस एनिमेटेड स्टेप, ऑलवेज रोटेट दिस एच पी थ्रू 90 डिग्रीज। लेकिन ये एच पी पूरा यहां से वहां तक है, सीसॉ खेलते हैं ना बच्चे वैसा, तो जब ये इधर का रोटेट होगा तो पीछे वाला पोर्शन ऊपर जाएगा, ये वाला पोर्शन ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा इस तरह से ठीक है। सो एच पी का फ्रंट पोर्शन नीचे जाएगा और बैक पोर्शन ऊपर आएगा, बस इतना ही रोटेट करना है, ये कभी चेंज नहीं होगा, रिमेंबर फॉर एवर, सब्जेक्ट सिंपल या हार्ड इन दोनों के बीच में की ये स्टेप है ठीक है। ये स्किप हो गए तो मुश्किल लगेगा, ऑलवेज रोटेट एच पी थ्रू 90 डिग्रीज इन क्लॉक वाइज सेंस, इसलिए फ्रंट पोर्शन नीचे जाएगा और बैक पोर्शन ऊपर जाएगा, फॉर ऑल क्वाड्रेंट दिस इज फिक्स्ड, ये हम कभी चेंज करने वाले नहीं है ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, एच पी गोज डाउन, जब ये रोटेट होगा नीचे तो ये बनेगी डायग्राम कुछ ऐसे ही, वी पी रिमेन्स अबव एक्स वाई एंड एच पी गोज डाउन, ये है एच पी, ये है वी पी, वी पी में होगा फ्रंट व्यू और एच पी में टॉप व्यू, तो इसको कहते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड राइट, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। ओके फाइन, अब उसी तरह से हम सभी क्वाड्रेंट्स में से घूम के आएंगे और सभी क्वाड्रेंट में फिक्स करेंगे कि फ्रंट व्यू कहाँ होता है, टॉप व्यू कहाँ होता है, और हमेशा याद रखिए फ्रंट व्यू ऊपर टॉप व्यू नीचे फॉर ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके फाइन, अभी इसको हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी में कंपेयर करेंगे ठीक है। इस डायग्राम को आपको देखना है तो वीडियो को फिर से रीप्ले करना है, फिर देखना है ठीक है। अभी हम चलते हैं सेकंड थर्ड फोर्थ रिवीजन के लिए, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट फिर से लेता हूं और ये बड़ा डायग्राम भी एक बार आपको शॉर्ट में बता देता हूं, थोड़ा कॉम्पैक्ट बता देता हूं यहां पे ताकि आपके सामने रहे राइट। ये है एचपी, ये है वीपी, इसको हम हटा देते हैं समझने के लिए, एच पी गोज डाउन, ये वाला ऊपर। ओके दिखाई नहीं देगी डायग्राम तो मैं फिर से बना देता हूं, कोई बात नहीं फाइन। ऑलरेडी हमने इसको डिटेल में देखा है, फिर से एक बार शॉर्ट में कंपेयर करने के लिए, एच पी गोज डाउन, बैक पोर्शन गोज अप ठीक है राइट। अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट यहां पे बना दूं ठीक है, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वीपी और ये एचपी, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट को हमने सेपरेट किया है यहां ठीक है। सो दिस इज एचपी विच गोज डाउन, तो इसको कहते हैं फ्रंट व्यू, यहां होता है टॉप व्यू ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट देखो, इसको हम फिलहाल ऐसे ही रखेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट हमारी पोजीशन फिक्स, ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा ऊपर, ये वीपी एज इट इज, एचपी एज इट इज, यहां क्या दिखेगा आपको फ्रंट व्यू, और यहां क्या दिखेगा टॉप व्यू, थर्ड क्वाड्रेंट, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट ठीक है, हमारी पोजीशन फिक्स। अभी वीपी एचपी मैं नहीं लिखूंगा शॉर्ट में, दिस इज फ्रंट व्यू, क्यों, क्योंकि वीपी हमें, वीपी में हमेशा क्या देखेगा फ्रंट व्यू, यहां पे क्या था फ्रंट व्यू, यहां पे क्या था टॉप व्यू, फ्रंट से देखा तो फ्रंट व्यू, टॉप से देखा तो टॉप व्यू, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां होता है। अब इसमें क्या रोटेट करना है, कुछ भी हो कोई भी क्वाड्रेंट हो, ऑलवेज रोटेट एचपी, अब इस एचपी का रोटेशन ये फिक्स है, ये ऐसा रोटेट होगा, ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में एचपी कहां जाएगा ऊपर। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट देखो, ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट राइट,
इसको डिस्क्राइब कैसे करते हैं, बिलो एच पी एंड इन फ्रंट ऑफ वी पी, ये हमारी पोजिशन यहाँ पे। सो दिस इज फ्रंट व्यू एंड दिस इज टॉप व्यू। अब इसको मैं इसमें किसको रोटेट करें, फिर से एच पी को रोटेट करेंगे, लेकिन ये फ्रंट पोर्शन है, इधर का फ्रंट पोर्शन यहाँ है, इसलिए कहाँ जाएगा, नीचे। अब ये देखो चारों क्वाड्रेंट्स आपके सामने, फर्स्ट क्वाड्रेंट एच पी गोज डाउन, सेकेंड क्वाड्रेंट एच पी गोज अप, थर्ड क्वाड्रेंट ऊपर, फोर्थ क्वाड्रेंट नीचे। अब इन सबको ये 3D में बनाए, अब इसको 2D में यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट जब ये नीचे जाएगा तो क्या होगा, ये एक्स वाई लाइन, ये ऊपर रहेगा, ये नीचे जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या आएगा, फ्रंट व्यू, इधर क्या आएगा, टॉप व्यू। अब थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट देखो, ये एक्स वाई लाइन, वीपी तो ऊपर ही रहेगा इस क्वाड्रेंट में, इसको हम कहते हैं फ्रंट व्यू। अब एचपी कहाँ जाएगा बताइए, ऊपर, इसका मतलब ये दोनों भी ऊपर है, सेकंड क्वाड्रेंट में एचपी वीपी दोनों भी ऊपर जाएंगे। मैं इसको थोड़ा ऐसे करता हूँ, ठीक है। अब इसको थोड़ा कॉम्पैक्ट लिखेंगे, फ्रंट व्यू भी दिखेगा और टॉप व्यू भी दिखेगा, राइट। सेकंड क्वाड्रेंट देख लो, ये वीपी और एचपी ऐसे ओवरलैप हो जाएंगे, इसलिए फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों भी ओवरलैप हो जाएंगे। कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट, ओके। फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू नीचे। अब थर्ड क्वाड्रेंट देखो, दिस इज एक्स वाई लाइन, ठीक है, एक्स वाई के नीचे क्या है, फ्रंट व्यू। अब ये टॉप व्यू कहां जाएगा, ऊपर, एचपी के साथ टॉप व्यू भी ऊपर। कौन से क्वाड्रेंट में है ये, थर्ड क्वाड्रेंट। अभी फोर्थ क्वाड्रेंट देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये एक्स वाई के नीचे क्या है, वीपी, यानी कि फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू। व्हाट अबाउट एचपी, व्हाट अबाउट टॉप व्यू, वो भी नीचे जाएगा। ऐसा कभी हुआ पहले, यस, सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ था। इसका मतलब फ्रंट व्यू भी नीचे और टॉप व्यू भी नीचे। कंपेयर करो, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करो, मैं इधर से बता दूं, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करो, दोनों कैसे एग्जैक्टली अपोजिट, फ्रंट व्यू ऊपर था, अब टॉप, फ्रंट व्यू नीचे आ गया, टॉप व्यू नीचे था, अब टॉप व्यू ऊपर आ गया, ठीक है। अभी ये दोनों को कंपेयर करो, सेकंड और फोर्थ, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों ऊपर, और फोर्थ में फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों नीचे, राइट। अब इसको हम एक बार गौर से देखते हैं, ये 3D है, एचपी वीपी चारों क्वाड्रेंट्स, ये भी 3D है अलग अलग क्वाड्रेंट्स के साथ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू की पोजीशन, टॉप व्यू की पोजीशन, वैसे ही सभी क्वाड्रेंट्स। और ये क्या है, ये 2D में है, जिस पोजीशन में आपको एक्चुअल ड्राइंग बनाना है, इसको सॉल्यूशन में यूज करना है। ये थिंकिंग ऐसी करेंगे, जब क्वेश्चन देंगे तो आपको ऐसे इमेजिन करना है, ऐसे इमेजिन करना है, लेकिन ड्रॉ करते समय आपको ऐसे ड्रॉ करना है, मीन्स फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ऊपर या नीचे, हमेशा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, वो कन्फ्यूजन इसके बाद कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मैंने पूछा द ऑब्जेक्ट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आपके दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए, फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू नीचे। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों ऊपर, थर्ड क्वाड्रेंट में है फर्स्ट का उल्टा, फ्रंट व्यू नीचे टॉप व्यू ऊपर, फोर्थ में है तो दोनों भी नीचे। लेकिन ये इतना सारा एक्सप्लेनेशन थोड़ा कॉम्पैक्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक नोटेशन का टेक्निक है, नोटेशन यूज करेंगे हम, ठीक है। वो नोटेशन क्या है, ठीक है, तो आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, याद रखने में भी बहुत आसानी हो जाएगी, राइट। सो कौन से दो प्लेन से बताइए, एचपी एंड वीपी, दो रेफरेंस प्लेन से, हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन। तो एचपी में कौन सा व्यू दिखाई देता है, टॉप व्यू, ठीक है। वीपी में कौन सा व्यू दिखाई देता है, फ्रंट व्यू। अब टॉप व्यू को हम बार बार टॉप व्यू नहीं लिखेंगे, टॉप व्यू को नोटेशन होता है, अगर ए नाम का पॉइंट है तो उसका नोटेशन होता है स्मॉल ए, और फ्रंट व्यू है तो उसका नाम होता है स्मॉल ए डैश। वैसे और एक प्लेन होता है पी पी, जिसमें हम साइड व्यू प्रोजेक्ट करते हैं, जिसका नोटेशन होता है ए डबल डैश, लेकिन उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है, फिलहाल इतना ही, ओके फाइन। रिमेंबर दिस लिंक, एचपी शोज टॉप व्यू डिनोटेड बाय ए, एंड वीपी शोज फ्रंट व्यू डिनोटेड बाय ए डैश, स्मॉल डैश, सिंगल डैश, ठीक है। ये नोटेशंस होते हैं, अगर आपको कहीं ड्राइंग में ए डैश दिखा तो समझना ये क्या है, फ्रंट व्यू है, और फ्रंट व्यू है तो कहां दिखाई देता है, वीपी में ही दिखाई देता है कंपलसरी। ए दिखा कहीं सॉल्यूशन में आपको,
तो उसका नाम क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, टॉप व्यू। टॉप व्यू कहाँ होता है, हमेशा कोई भी क्वाड्रेंट हो, टॉप व्यू हमेशा एचपी में होगा, राइट। अब इस नोटेशन का यूज करेंगे और चारों क्वाड्रेंट्स आपके सामने। फर्स्ट क्वाड्रेंट याद करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू कहाँ होता है, ऊपर, तो इधर क्या आएगा, ए डैश। टॉप व्यू कहाँ होता है, नीचे, ए। याद है? ओके, याद नहीं आया तो वो वीडियो फिर से रिप्ले करो। फर्स्ट और थर्ड दोनों ऑपोजिट होते हैं, ए डैश नीचे, ए ऊपर। सेकंड में दोनों ऊपर, फोर्थ में दोनों नीचे, ये दोनों ऑपोजिट होते हैं। बस ये याद रखना है, स्ट्रांगली याद रखो। फर्स्ट क्वाड्रेंट फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू नीचे, ए डैश दिखा के समझना फ्रंट व्यू, ठीक है। ए डैश ऊपर, ए नीचे। फर्स्ट और थर्ड अपोजिट, सेकंड में दोनों ऊपर, फोर्थ में दोनों नीचे, राइट। दिस इज कॉल्ड द पोजिशंस ऑफ फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू इन ऑल फोर क्वाड्रेंट्स। अब इसको कहते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड और इसको कहते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। अब आपको मन में आया होगा ये सेकंड और फोर्थ क्यों यूज नहीं करते, मैं आपको ही टाइम देता हूं थोड़ा सा, कुछ पल, क्यों नहीं यूज करते होंगे। यस, एब्सोल्युटली राइट। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों व्यूज ओवरलैप हो जाते हैं। सेम रीजन फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए है, अगर व्यूज ओवरलैप होते हैं तो हमें कुछ समझ में आएगा, हमें खुद को ही समझ में नहीं आएगा तो दूसरे को क्या समझ में आएगा। और इस सब्जेक्ट का मेन पर्पज ही क्या है, ये लैंग्वेज दूसरे को समझ में आनी चाहिए, कम्युनिकेशन के लिए होता है, राइट। इसलिए ये मेथड और ये मेथड यूज नहीं करते, एक्सेप्ट प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस। प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस नाम का जो चैप्टर है उसमें सभी क्वाड्रेंट्स को स्टडी करना है, सभी क्वाड्रेंट में आपको लाइन को कंसिडर करना है। लेकिन प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स हो, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स हो, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, कुछ भी हो, आपको सिर्फ आइदर फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट ही स्टडी करना है, ठीक है। जनरली आजकल के सभी यूनिवर्सिटीज में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से ही सॉल्व करने के लिए कहते हैं, अगर स्पेशली कहा है थर्ड एंगल से बनाओ तो वो बनाओ, लेकिन ओल्ड ड्राइंग्स मोस्टली थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के होते थे, या इंडस्ट्रियल जो ड्राइंग्स होते हैं मोस्टली थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में होते हैं, राइट। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन्स, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स, सॉलिड्स, ऑर्थो, आइसो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। तो हम इस वीडियो को यहाँ पे रोकते हैं, उसके बाद हम देखेंगे अगला वीडियो। थैंक यू।